आज की वीडियो में हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6। इससे पहले मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पार्ट बना सकता हूँ। इंग्लिश वोकैब की सीरीज हमने ए से जेड तक पूरी कर चुका हूँ, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पहला है देखो तुम्हारा, अ पर्सन हु किल्स समबॉडी फॉर पॉलिटिकल रीजन। अच्छा देखो, पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी को मारना क्या कहलाता है बेटा? असैसिनेशन। मैं आपसे बोलूँ महात्मा गांधी वाज किल्ड, तो ये सेंटेंस गलत है। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, तो असैसिनेशन लगता है डेथ ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर। मर्डर होता है किसी को भी मारना, जान से मार देना, सिंपल इंसान को मारना मर्डर है। क्रिमिनल होता है वो इंसान जो कोई भी क्राइम करे, अब ये नहीं कि मर्डर ही करे, किसी से पैसा छीन ले, चेन छीन ले, कुछ सामान चोरी कर ले, सारे क्रिमिनल में आते हैं, ठीक है। हैंगमैन होता है जल्लाद, जल्लाद वो इंसान होता है भाई जो जेल में क्या होता है कि फांसी देते ना, वो जल्ला देता है। इसकी सैलरी होती है 3,000 से 5,000 पर महीना होती है। अब जैसे में कोई बड़े केस होते हैं, जैसे कि आप बात करो निर्भय केस में, उसमें जल्लाद को हर एक फांसी के लिए 25,000 रुपये दिए गए थे। तो देखो हमारे देश में जल्लादों की बहुत कमी है, हैंगमैन बहुत कम होते आते हैं। और इवन केरला सरकार ने, मतलब उन्होंने बकायदा न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि भैया जो जो हैंगमैन की जॉब में इंटरेस्टेड हो, कितना बेकार काम है, उसके बाद भी लोग आ रहे थे उसको करने के। तो इसका पता लगता है कितने लोगों में गरीबी है, कितना पैसा है, बात समझ आई नहीं। तो हैंगमैन होता जल्लाद, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, ए माइकोलॉजी, बी बोटनी, सी फिजियोलॉजी, डी जूनियर। बोटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जूलॉजी होती है स्टडी ऑफ, लिख दूँ क्या, प्लांट्स की स्टडी। अब तो पता लग गया ना, बार बार बता दो। लॉजी मतलब जूलॉजी होता है एनिमल्स की, माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंगी, और ये फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बॉडी। तो क्या आंसर है इसका? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी, बिना इनविटेशन के आ जाए, नहीं बिन बुलाए मेहमान नहीं है ये। थीफ देखो होता है चोर, और बर्गलर भी होता है चोर। थीफ रास्ते आप जा रहे थे, आपकी चेन खींच के भाग गया, वो थीफ है। बर्गलर आपके घर में घुस के चोरी करता है। दोबारा, थीफ कोई भी चीज़ चुरा ले, कोई ब्रेड का पैकेट चुरा ले दुकान से, थीफ है। बर्गलर आपके घर में आके चोरी करता है। वैंडल जो होता है आपकी इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, मान लो तोड़फोड़ कर दी आपके घर में। और इंट्रूडर होता है जो आपकी मतलब अंदर आ जाए, जैसे बिल्डिंग में आ गया किसी क्रिमिनल इंटेंट के साथ, बात समझ आई नहीं। तो इसका क्या है? इंट्रूडर, बात समझ। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग उसको पता ना हो, ढंग से चीज़ों की पता ना हो स्पेलिंग के बारे में। लिंग्विस्टिक होता है वन हु नो मैनी फॉरेन लैंग्वेज, वो इंसान जो बहुत सारी क्या जाने फॉरेन लैंग्वेजेस। पिडाम्प होता है आडम्बर या ढोंग करना, दिखावा करना, कई सारे बाबा लोग दिखावा करते हैं। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग हैंड राइटिंग, बहुत सजा सजा के लिखना, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग। तो इसका आंसर क्या बच गया मेरे पास? कैकोग्राफी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो बहुत बोलता हो, नहीं मैं टॉकेटिव नहीं, मैं तो काम की बातें बोलता हूँ, जो वैसी बातें बोले। देखो इसका आंसर है गैरुलस। फेथफुल होता है बहुत वफादार होना। ईगोइस्ट होता है तो बहुत सेल्फिश टाइप को, अपने बारे में सोचे, मैं करे ज़्यादा। क्लाइंट होता है किसी भी डॉक्टर के, लायर के, ऐसे क्लाइंट होते हैं प्रोफेशनल टर्म में। तो इसका आंसर क्या है? गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु अपोसिस अनदर, ऐसा बंदा जो दूसरे को अपोज करे। अब इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है एंटागनिस्ट। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोटेगनिस्ट और एक होता है एंटागनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट होता है सपोर्टर ऑफ द कॉज, एंटागनिस्ट उसके खिलाफ हो। प्रोफेट होता है इंस्पायर्ड टीचर, या फिर भगवान की बातें, या फिर जो भी गॉड की बातें उनको आगे फैलाए, तो उसे कहते हैं प्रोफेट। फाइटर होता है लड़ाई करने वाला, सोल्जर होता है आर्मी की लड़ाई करना। तो उसका आंसर क्या है? एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है अ हॉस्पिटल फॉर रिकूपरेशन, रिकूपरेशन मतलब रिकवरी, और ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिसीज़। क्रोनिक डिसीज़ होती हैं जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन है। एक्यूट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, खुलो। ए सैनिटोरियम, बी असाइलम, सी फनी फार्म, डी वेल्डम। सैनिटोरियम होता है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है क्रोनिक डिसीज़ के लिए। फनी फार्म होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, दिमाग के जितने भी होते हैं वो लोग वहाँ पर ठीक कर जाते हैं। बेडलैम होता है जहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसे ही रखा जाता है पेशेंट्स वगैरह को। असाइलम होता है शरणार्थी, जैसे मान लो यार अफगानिस्तान वाले आजकल इंडिया में आ जाएं, तो हम कहेंगे अफगानिस्तान पीपल वर गिवन असाइलम बाय इंडियन, शरणार्थी ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो इसका आंसर क्या है? सेनाटोरियम। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है मेरा फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल बेल होता है शोक सूचक, मतलब कि जैसे आप आर्मी में देखते हो यार, जब आर्मी में किसी की डेथ हो जाती है कि सोल्जर की, तो वो क्या करते हैं, या मार्टियर हो जाता है कोई, तो वो क्या करते हैं, वो बजाते नहीं हो ऐसे, उसे कहते हैं नेल होता है। इसका आंसर होता है नेल बेटा।
रेप्लिका होता है किसी चीज़ को हूबहू छापना या डुप्लीकेट टाइप का। विंडफॉल होता है कि अचानक आपकी किस्मत खुल जाए, मान लो तुम 1 करोड़ रुपए जीत जाओ ड्रीम प्लान में, तो उसे कहते हैं विंडफॉल। कॉल होता है किसी को नाम से बुलाना, दे कॉल देयर सन चिंटू, इस तरह से। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिसेटिस्फाइड, वो पर्सन जो कभी सेटिस्फाई ना हो। जैसे कुछ देखा होगा आपने, कुछ 100 में से 98 लाते हैं, कहते हैं 98% आई यार, 2% रह गए। उनकी जॉब ला IIT में सेलेक्ट हो जाते, कहते हैं यार IIT मुंबई नहीं मिला। ठीक है, हर चीज़ में छोटा बंगला है बड़ा बंगला नहीं है, छोटा हेलीकॉप्टर है बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है, करोड़पति हूँ अरबपति नहीं, ये सब बातें वाली। अब फेलन होता है, देखो क्राइम, फेलन होता है वो पर्सन जिसने कोई क्राइम करा। फेलन ही एक वर्ड होता है क्राइम के लिए, फेलन होता है जिसने क्राइम कराओ। सरोगेट होता है किसी का सब्स्टिट्यूशन, किसी की जगह दूसरा आ जाना, उसे कहते हैं सरोगेट। मेल कंटेंट होता है जो कभी भी सेटिस्फाइड ना हो। और हेयर से होता है कि कोई बात, मान लो पुराने जमाने से ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, पुराने जमाने की कोई बात है उस पर चलती आ रही है, उस पर कोई ओपिनियन बन गया है, उसे कहते हैं हेयर से। तो उसका आंसर क्या है, मेल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डस नॉट वॉन्ट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू एस्केप, मतलब सच्चाई से दूर भागे, अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहे, इसका आंसर है एस्केपिस्ट। ठीक है, प्लंडर होता है लूटपाट करने वाला, प्लंडर क्या होता है लूटपाट करने वाला, कहते हैं अहमद शाह अब्दाली था वो, कई सारा सामान जो इंडिया से ले गया लूटपाट करके। स्कैवेंजर होता है जो दूसरों के डेड बॉडीज पे खाते हैं जैसे, ठीक है, हाइना वल्चर ऐसे। होवल होता है स्मॉल होम, या स्मॉल होम नहीं बोलो, आपने देखा झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी टाइप की, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई, एस्केपिस्ट। बात समझ नहीं, इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।